राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने हमीरपुर सदर के कानूंगो के खिलाफ 1 लाख रुपए से अधिक रिश्वत लेने के आरोप में मामला दर्ज किया है। कानूंगो पर एक दुकान की जमीन का इंतकाल करवाने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप है। कानूंगो के रिश्वत लेने की घटना वीडियो कैमरे में भी कैद हो चुकी है। हमीरपुर शहर के कारोबारी ने कानूंगो की ओर से रिश्वत मांगने की शिकायत विजिलेंस में की है। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस ने केस दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। साथ ही विजिलेंस ने राजस्व से संबंधित रिकॉर्ड और वीडियो कैमरे की फुटेज को भी अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि ये वीडियो 1 सप्ताह पुराना है। शिकायतकर्ता अशोक कुमार ने विजिलेंस को शिकायत में कहा कि बीते वर्ष हमीरपुर शहर में एक दुकान खरीदी थी। इसकी फरवरी 2020 में रजिस्ट्री हुई। अब इस दुकान की जमीन का इंतकाल होना था, लेकिन सदर तहसील के नायब तहसीलदार और कानूंगो इंतकाल के कार्य में आनाकानी कर रहे थे। 28 जुलाई को इंतकाल होना था। जब वे तहसील कार्यालय में पहुंचे तो नायब तहसीलदार ने उन्हें कानूंगो से मिलने के लिए कहा। कानूंगो ने उनसे इस कार्य के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत मांगी। इसके बाद कानूंगो 30 जुलाई को उनके रेस्तरा में आया, जहां उसे 50,000 रुपए नकद दिए गए। शेष कार्य पूरा होने पर देने की बात हुई। 50,000 रुपए लेने के बाद कानूंगो ने कहा कि उसमें 14,000 रुपए कम है, जो कि बिल्कुल झूठ है। इसके बाद 4 अगस्त को उसने 14,000 रुपए और लिए और 10 अगस्त को 50,000 अतिरिक्त लिए। कानूंगो द्वारा पैसे लेने की घटना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। फरवरी महीने में दुकान यहाँ पे खरीदी थी बसन के पास, और उसकी रजिस्ट्री कराई, उसका इंतकाल कराना था। बीच में लॉकडाउन लग गया और उसमें हम लोग लेट हो गए थोड़े। लॉकडाउन के बाद फिर काफ़ी चक्कर लगाए मैंने, तो उधर तहसीलदार भी मुझे कोई मिला नहीं। फिर मैंने SDM साहब को लेटर लिख के दिया, उन्होंने फिर भेजा मेरे को, और तहसीलदार के पास गए, उन्होंने इंतकाल का टाइम दिया। 28 तारीख को मेरे को इंतकाल के लिए बुलाया पटवार को मैंने, वहाँ मेरे को बोला कि आप कानूंगो को मिले। मेरे नहीं जो पड़ा है आपको पता है कानूंगो को मिलना होता है, तो वहाँ पर हम लोग कानूंगो को मिलने के लिए शाम को गए। इंतकाल तो मैंने नहीं किया, साइन करवा लिए थे मेरे भी, और तो उनसे जिनसे मैंने खरीदी है स्टीजी से। फिर मैं उनके पास कानूंगो को मिलने आया, तो उनको उनको बोला कि जो आप इधर उधर से फ़ोन करवाते हो ऐसे रेवेन्यू के काम होते हैं, मैंने सर आप बताओ फिर कैसे होते हैं। बोला कि इसमें पैसे लगते हैं, मेरे साथ तो आप ही बता दो। मैंने 15,000 रुपये उसको दिया, तो पूछा इतने से काम नहीं होगा। मैंने कहा सर फिर आप ही बता दो फिर नहीं होगा। कहना 1 लाख रुपये में हुआ। फिर मेरे को बोला कि आपके पास आज ही रात का टाइम है, सुबह मैंने या तो इंतकाल के ऊपर मुकाबला लिखूँगा, नहीं तो फिर मैं नो ऑब्जेक्शन कर दूँगा। सारी उम्र घूमते रहोगे फिर रजिस्ट्री को लेकर कुछ नहीं बनेगा। तो फिर मैं रात को सारी रात नहीं सोया, मैं पूरी रात पानी हजारों बार भरा, हजारों बार दिया। फिर मैंने सोच लिया कि ठीक है, मैंने उनको बोले कि करो आप पढ़ने लगे। फिर उन्होंने 30 तारीख को पटवार खाने गए, मेरे को बोला कि आपने नहीं आना, मेरे को फ़ोन आया सुबह कि मैं आपका ही काम कर रहा हूँ और करके मैं आ रहा हूँ। और 1 तारीख उधर से रजिस्ट्री भी नहीं लेके आए, उसकी फ़ोटो कापी मेरे को देके और 50,000 रुपये लगे। और शाम को फ़ोन आया 6-7 बजे की, आपने कितने पैसे दिए हैं। मैंने कहा जी 50,000। बोले वो तो 36,000 निकला तो नोट कम से। मैंने कहा जी दिए तो मैंने 85,000। फिर बोला देख लो आप। मैंने कहा सर नहीं गलत होगा, कम होंगे तो आप सुबह आके ले जाना। फिर दूसरे दिन छुट्टियाँ थी, 3-4 छुट्टियाँ नहीं मिलती रक्षाबंधन की हो रही है। फिर ये आए हैं 5 तारीख को आए हैं, 4 तारीख को मेरे को शाम को फ़ोन आया कि मैं आ गया हूँ और काम मिलोगे। मैंने सुबह आप 10-11 बजे में ऑफिस आता हूँ उसके मैं। फिर वहाँ पर मेरे पास आए, फिर उन्होंने 14,000 रुपये मैंने उनको दिया। फिर मैंने रिक्वेस्ट की कि बस हो जाएगा, जितनी जितनी की बात हुई है उतने पैसे लेने, 1 लाख रुपये की आपसे बात हुई है, 36,000 वो और 14,000 अभी आपने दिया, 50 हो गया और बाकी के पैसे आप मिलो। फिर मैंने वो उनको 10 तारीख को फिर मेरे पास आए, फिर उनको मैंने 50,000 रुपये दिया। तो ऐसे करके मैंने मेरे साथ में किया। किस पद पर तैनात है वो जो अधिकारी? कानूंगो है। कहाँ कानूंगो? हमीरपुर में, अमरजीत नाम है। और ये अब आपने कहाँ कंप्लेंट की है इस चीज़ की? मैंने उनकी विजिलेंस को दे दी है सारी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, सारी जो भी था मेरे पास उन दरमियान जो भी मेरे साथ बैठा वो सारी मैंने वीडियो अभी
हमीरपुर विजिलेंस को मैंने दे दिया और सारा मेरा डिपार्टमेंट के पास जमा है। हमीरपुर डीएसपी विजिलेंस लालमन शर्मा ने कहा कि 14 अगस्त को शिकायत के आधार पर सदर कानगो ने जमीन की इंतकाल करने के लिए पैसों की मांग की थी, जिसके तहत विजिलेंस ने एंटी करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि विजिलेंस ने सारा रिकॉर्ड कब्जे में लेकर कानगो के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अभी मामले की छानबीन चल रही है और कानगो को हिरासत में नहीं लिया गया है। हमारे पास 14 अगस्त को एक कंप्लेंट आई थी कि सदर कानगो हमीरपुर ने जमीन की म्यूटेशन के एवज में 90,000 रुपये रिश्वत खाई है। उस कंप्लेंट पे हमने केस दर्ज किया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। गौरतलब है कि कानगो को अभी हिरासत में नहीं लिया गया है और विजिलेंस के द्वारा कब्जे में लिए गए वीडियो फोटोज के आधार पर पूरी पड़ताल की जाएगी और इसके साथ वीडियो फोटोज के साथ वॉइस को भी जांचा जाएगा।